पहले वाले जितने भी लेक्चर्स थे उनके अंदर भी अपन जो है मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मॉर्फोलॉजी के अंदर जो है अपन ने रूट देखी है, रूट होती क्या है, रूट के टाइप्स, फंक्शंस एंड एटसेट्रा, मॉडिफिकेशंस आर ऑल्सो। इसके अलावा जो है अपन ने स्टेम भी देखा है, स्टेम होता क्या है, किस तरीके से स्टेम फॉर्म होता है, स्टेम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं और मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। तो ये सारी सारी चीज़ जो है अपन ने मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर ली थी, बट स्टिल वन पार्ट इज रिमेनिंग एंड दैट पार्ट इज फ्लावर। एक पार्ट अभी बच रहा है और उस पार्ट का नाम है फ्लावर। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कि जो एक्सिस होता है, सपोज दैट दिस इज एक्सिस, इसके ऊपर जो है फ्लावर किस तरीके से अरेंज होते हैं। ऑब्वियसली प्लांट है तो फ्लावर्स आएंगे, फ्लावर्स जो है सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। अगर फ्लावर नहीं बनेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सीड फॉर्म नहीं होगा, और सीड फॉर्म नहीं होगा तो फिर जो है नए प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये तो कन्फर्मेटरी है कि प्लांट्स के अंदर जो है फ्लावर्स आते हैं, बट वो किस तरीके से जो है अरेंज होते हैं, उस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। जो भी प्लांट का एक्सिस होता है, एक्सिस के ऊपर जो फ्लावर्स आ रहे हैं उन फ्लावर्स का एक पर्टिकुलरली अरेंजमेंट पाया जाता है, एक सिस्टमेटिक वे के अंदर जो है वो अरेंज होते हैं, और उस अरेंजमेंट को ही अपन क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। सो वी कैन से अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द एक्सिस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द एक्सिस, किसी भी एक्सिस के ऊपर फ्लावर्स जिस वे के अंदर अरेंज होते हैं, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। सपोज दैट दिस इज द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर जो है फ्लावर्स अरेंज हैं, बट एक पर्टिकुलर वे पाया जा रहा है, जिस भी वे के अंदर जो है ये अरेंज होते हैं उस अरेंजमेंट को ही अपन क्या बोल देते हैं, इनफ्लोरेसेंस। तो प्लांट के अंदर बेसिकली अपन को जो है दो टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, नंबर वन इज रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस एंड नंबर सेकंड इज साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट जिसके अंदर जो है प्लांट की ग्रोथ लिमिटेड होती है, सॉरी प्लांट की ग्रोथ जो है अनलिमिटेड होती है, मतलब कि प्लांट ग्रो कर रहा है, फ्लावर्स आते जाते हैं, या फिर वी कैन से फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपीटल ऑर्डर। ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर जो है फ्लावर्स एक्रोपीटल ऑर्डर के अंदर अरेंज होते हैं, दैट टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इज नोन एज रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस। अब एक्रोपीटल की बात करते हैं कि एक्रोपीटल से क्या मीनिंग निकलता है। एक्रोपीटल का मतलब क्या होता है कि जो भी एक्सिस है, प्लांट कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, राइट, स्टेम इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, लाइक सपोज दैट दिस इज द स्टेम कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, इसके एक्सिस के ऊपर फ्लावर आ रहे हैं, फिर जो है ये बढ़ता जा रहा है, फिर वो एक्सिस के ऊपर फ्लावर आ रहे हैं, फिर एक्सिस के ऊपर फ्लावर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो नीचे के फ्लावर जो होते हैं, नीचे के फ्लावर जो हैं साइज के अंदर बड़े होते हैं और ओल्डर होते हैं, और ऊपर जो नए फ्लावर आ रहे हैं वो साइज के अंदर छोटे होते हैं, इसके अलावा न्यूअर होते हैं, न्यूली फॉर्म्ड फ्लावर होते हैं। एक्रोपीटल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर जो फ्लावर पाए जा रहे हैं दीज आर न्यूअर एंड स्मॉलर, और जो बेस के अंदर जो फ्लावर पाए जा रहे हैं वो क्या होते हैं, साइज के अंदर बड़े होते हैं और ओल्डर होते हैं। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट पाया जाता है, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस। ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जिसके अंदर फ्लावर्स जो है कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, प्लांट की पूरी लाइफ स्पान के अंदर जो है फ्लावर्स आते जा रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ जो है वो इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअसली प्लांट ग्रो कर रहा है, ऊपर वाला जो एक्सिस है उसके ऊपर नए नए फ्लावर्स फॉर्म होते जा रहे हैं, दीज आर न्यूली फॉर्म्ड और उनका साइज थोड़ा छोटा है, जबकि नीचे जो बेस के अंदर फ्लावर होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, एंड दीज आर ओल्डर। दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज एक्रोपीटल ऑर्डर एंड दैट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, राइट। एक तो हो गया रेसिमोज, उसके बाद में अपन बात करते हैं साइमोज। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्या होता है, साइमोज वर्ड से पता चल रहा है लाइक सीमित ग्रोथ हो रही है प्लांट की, मतलब कि एक बार किसी भी एक्सिस के ऊपर फ्लावर्स आ गए हैं द ग्रोथ विल बी स्टॉप, उसके बाद में उस एक्सिस की ग्रोथ होने वाली नहीं है। तो इसके अंदर जो फ्लावर्स अरेंज होते हैं उस अरेंजमेंट के अंदर एक्चुअली होता क्या है कि जो ऊपर वाले फ्लावर होते हैं वो तो ओल्डर और साइज के अंदर बड़े होते हैं, जबकि नीचे बेस से जो फ्लावर्स अराइज हो रहे हैं दीज आर स्मॉलर एंड न्यूअर। वी कैन से लाइक दिस इज, ऊपर वाले तो साइज के अंदर बड़े होते हैं और ओल्डर होते हैं, जबकि नीचे जो भी फ्लावर्स फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, साइज के अंदर छोटे,
स्मॉलर होते हैं, इसके अलावा न्यूअर होते हैं, न्यूली फॉर्म्ड होते हैं। तो इस तरीके से जो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट पाया जा रहा है दैट इज नोन एज बेस रिपीटर, दैट इज नोन एज बेस रिपीटर। और इसी टाइप की जो है अरेंजमेंट को या फिर इनफ्लोरेसेंस को अपन बोलते हैं साइमोस इनफ्लोरेसेंस। आई एम अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि रेसिमोस के अंदर जो है प्लांट की ग्रोथ इंडेफिनेट होती है, प्लांट इज ग्रोइंग कंटिन्यूअसली एंड इन दैट टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द न्यूली फॉर्म फ्लावर्स आर अबव साइड एंड द ओल्डर फ्लावर्स आर एट द बेस ऑफ द एक्सिस राइट। बट इन द साइमोस न्यूली फॉर्म फ्लावर आर द बेस एंड द ओल्डर फ्लावर्स आर एट द अबव, that type of inflorescence is known as cymose. Cymose के अंदर सीमित ग्रोथ होती है, racemose के अंदर continuously ग्रोथ होती रहती है। cymose के अंदर जो अरेंजमेंट होता है that is base repeater, base के अंदर जो है छोटे base के अंदर छोटे और नए फॉर्म होने वाले फ्लावर है, जबकि ऊपर जो है कौन से पुराने और इसके अलावा साइज के अंदर बड़े फ्लावर पाए जा रहे हैं। बट इसका जस्ट अपोजिट किसके अंदर पाया जा रहा है, रेसिमोस के अंदर। तो वी कैन से फ्लावर्स का भी एक एक्सिस के ऊपर पर्टिकुलरली अरेंजमेंट पाया जाता है। सपोज दैट दिस इज द एक्सिस, इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, उन फ्लावर्स का एक अरेंजमेंट पाया जा रहा है। जिस भी वे के अंदर वो फ्लावर्स अरेंज्ड हैं दैट अरेंजमेंट इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। सो टुडे वी हैव टॉक्ड इनफ्लोरेसेंस, आज जो है अपन ने इनफ्लोरेसेंस की बात कर ली है। इसके आगे वाले लेक्चर्स के अंदर अपन देखने वाले हैं कि फ्लावर होता क्या है इन एक्चुअल, फ्लावर जो है कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर कंसिस्ट होता है या कौन कौन से पार्ट से मिलकर कंसिस्ट होता है और उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, दैट वी विल टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।